भाई साहब, ये गाना जो है ना वो ये है कि अगर हम भाव देंगे तो तू घाव दे देगी हमको। ये गाना यार था ये कमेंट देख रहा, न्यूज़ देखकर कौन कौन आया इस गाने को सुनने के लिए। पुनाया पुनाया हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ भोजपुरी टॉक्स। दोस्तों आज बात होगी पवन सिंह की। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, उन पर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं जो कि बहुत ही भद्दे इल्ज़ाम है। और इतने बड़े स्टार के लिए पे इतने बड़े इल्ज़ाम लगना जो कि बिल्कुल कहीं से कहीं तक सही बात नहीं लगती मुझे। और वो इल्ज़ाम सच है या नहीं उस बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब क्या इल्ज़ाम आते हैं ये बताएगा साहिल मंसूरी। तो बात ही नहीं, हम करेंगे उसका विश्लेषण भी। तो भाई एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने जिनका नाम बाबुल सुप्रियो है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है पवन सिंह पर कि भैया पवन सिंह बंगाल वालों, पवन सिंह मुबारक हो आपको, इस तरह की भावनाएं रखते हैं देखो। और उन्होंने कोई पोस्टर वगैरह शेयर किया है ट्विटर पर और पवन सिंह बहुत आहत हुए उससे। आप स्क्रीन पे देख ही और सकते हैं स्क्रीन पे आप पोस्ट। देख सकते हैं। फिर पवन सिंह ने भी उसका रिप्लाई किया जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये रिप्लाई पवन सिंह ने किया है और पवन सिंह ने बताया है कि भैया अगर आप इस चीज़ को साबित कर दो, इसको प्रूफ कर दो, तो मैं मतलब संन्यास ले लूँगा। सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री से भी संन्यास लूँ। तो इसी टॉपिक को लेके हम आ जाएं, करते हैं पूरी बात भोजपुरी टॉक से। आज के शो में शुरू करते हैं आज का शो भोजपुरी टॉक्स। तो जैसे हमने आपको बताया असनसोल का से टिकट मिला था पवन सिंह को। हमने एक शो भी किया था इस पर भोजपुरी टॉक्स का, अगर आपने नहीं देखा हो तो दे सकते हैं, एपिसोड शायद 9 था वो। तो उस पर टिकट मिलने पर पहले तो पवन सिंह बहुत खुश हुए, फिर किसी वजह से उन्होंने टिकट को वापस दे दिया। और जब वो टिकट लिया उन्होंने, जब उनको टिकट मिला, टिकट मिलते से ही लोगों को पता नहीं उनके कौन कौन से गाने मिल गए, क्या मिल गया, अरे असली गाने बनाते वाला इन लोगों तुमने टिकट दे दिया बीजेपी को। पोस्ट जा रही थी ट्विटर में, बहुत वायरल हो रहे थे पवन सिंह। एंड देन उसके अगले ही दिन पवन सिंह ने टिकट का मना कर दिया, भैया कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव। लेकिन अचानक से इतने दिनों बाद, और ये जो ट्वीट है मैं देख पा रहा हूँ, ट्वीट भी काफ़ी पुराना ही है जो उन्होंने किया है। क्या नाम था इनका, बाबुल सुप्रियो ऐसा कुछ नाम है इनका। इनका काफ़ी पुराना ट्वीट था, उन्होंने किया ट्वीट कि भैया मुबारक हो ये वो। और लेकिन पवन सिंह ने अभी उस चीज़ का रिप्लाई दिया इतने दिनों बाद। अब ये चीज़ समझ में नहीं आई कि पवन सिंह तो अचानक से क्या हो गया कि इतने दिनों बाद उन्होंने रिप्लाई दिया सर की नज़रों में। अब ट्वीट बाकी ये वायरल तो बहुत हो रहा था, अलग अलग लोग उसको कर रहे थे। या फिर पवन सिंह ने सोचा कि ये ट्वीट मैं रिस्पॉन्स करूँगा तो ज़्यादा वायरल हो जाएगी ये चीज़, और वायरल होगी तो फिर सही नहीं रहेगा, तो उन्होंने इस टाइम उसको इग्नोर कर दिया होगा ये सोच के कि हाँ इसको छोड़ देते हैं अभी थोड़े दिन बाद, जिन्होंने भी देखा भूल भाल जाएंगे। लेकिन फिर जब वो चीज़ वायरल होने लगी तो पवन सिंह को लगा कि अब इस पर मुझे रिप्लाई करना ज़रूरी हो गया और लोगों के सामने सब क्लियर करना ज़रूरी हो गया। और एक और अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसका एक रीज़न ये भी है, पवन सिंह ने आज फिर एक और पोस्ट की है जिसमें उन्होंने बताया कि भैया 2019 का जब चुनाव हुआ था तो सुप्रियो जी आप ही के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मैं आया था। मतलब जिन्होंने आज पोस्ट किया है कि पवन सिंह ने ये कर दिया है, पवन सिंह ऐसे हैं, उन्हीं के लिए पवन सिंह ने 2019 में प्रचार किया है चुनाव का। तो ये तो वो हो गया भाई कि ये कहाँ आ गए हम, क्या से क्या हो गया, देख क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये पवन सिंह को बुलाया था इन्होंने अपने प्रचार के लिए असनोल में, जिस जगह पे चुनाव के लिए लड़ रहे हैं ना, मतलब जिनका जहाँ के लिए इनको टिकट मिला था वहीं पर प्रचार करने के लिए पवन सिंह 2019 में गए थे एज अ स्टार प्रचारक। उनको वहाँ बुलाया गया था, वहाँ पर उन्होंने एज अ स्टार वहाँ पर कुछ गीत गाए थे और प्रचार किया था इन्हीं का। और आज यही बोल रहे हैं कि आपने ऐसे गाने गाए। तो यहाँ पर पवन सिंह ने दी है खुली चुनौती कि अगर आप मेरे ये चारों गाने जिनका आपने स्क्रीनशॉट डाला है, अगर आप इनको साबित कर पाएं, अगर आप इनको साबित कर पाएं कि मैंने ही गाए, कि मैंने ये गाने हैं मेरे या इस तरह का कुछ मैंने किया है, तो मैं मतलब वो संन्यास ले लूँगा। तो चलो उसी का करते हैं विश्लेषण और आप लोगों के सामने हम भी ढूंढते हैं क्या कितनी सच्चाई है इन गानों में और इन गानों की पोस्ट में या इनके पोस्टर्स में, पोस्टर असली है या नकली। आज निकालते हैं इनका Q&A करके कि ये सही है या नहीं, क्वालिटी एनालिसिस करेंगे हम इनका। तो चलो सबसे पहला गाना सर्च करते हैं जो कि 1.5 मिलियन इस पोस्टर में दिखाया गया है। उस गाने का नाम है बंगाल वाली माल। भाई टाइटल तो बड़ा आपत्तिजनक ही है,
तो यहाँ तक तो सही है कि ये आपत्तिजनक है। अगर ये पवन सिंह ने गाया है, लिखो ये लिखा पवन सिंह, बंगाल वाले माल पवन सिंह 1.5 मिलियन व्यूज, ये दिखाया जा रहा है और ये है वो पोस्टर। नीचे स्क्रॉल करें, नहीं ये भी नहीं है वो पोस्टर, और नीचे आ जाओ आप, हम वही पोस्टर सर्च करेंगे जो हमको मिला है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम वही पोस्टर सर्च करें, अगर वही मिल जाता है तो अच्छी बात है, या फिर उसके जैसा जो मिल जाएगा हम उस पर सर्च क्लिक कर देंगे। ये रहा होता तो सबसे ऊपर, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। मेरे ख्याल से वो पोस्टर ही हटा दिया गया है, पोस्टर तो दिख ही नहीं रहा है अभी हमें। बंगाल वाली माल, ये पोस्टर था पवन सिंह का, और नेपाल वाली माल बना दिया भाई, ये तो सब नकली है, अलग ही दिख रहा है। चलो अब और नीचे आ जाते हैं, इस पे तो क्लियर दिख रहा है पवन सिंह के फेस पे शायद फोटो शूट की, और ऊपर कर दो, चलो ऊपर करो, ऊपर एक जो बंगाल वाली माल मिल रहा है उसी पे क्लिक करते हैं। बंगाल वाली माल, ये रहा बंगाल वाली माल मिल गया हमें। इस पे व्यूज तो खैर कम ही है, कुछ भी नहीं है वीडियो, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए इस पे क्लिक करके चेक करते हैं क्या ये असली है या नकली। और आगे निकलो, बैक करो। तो भैया इतना सर्च करने के बाद भी हमें गाना तो मिल नहीं पा रहा है, और जो बहुत ज्यादा, और जो मिला उनका गाना कोई और ही लगाया हुआ है इन्होंने, नाम कुछ और डाला गया है, वीडियो कुछ और बज रहा है, एक वो सीन भी हो रहा है यहाँ पर। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा हम सर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये बस ये लोगों ने न्यूज़ पर ही लगाया हुआ है सब, लेकिन क्या हकीकत में है ये पोस्टर, के वो पोस्टर भी नहीं मिल रहा है अब तो। क्या हो सकता है कि उन्होंने वो पोस्टर ही चेंज कर दिया हो जिन्होंने वो नकली गाना अपलोड किया था। बेसिकली गाना अभी तक हमारी नज़र में तो नकली नहीं आया है। तो पहला जो गाना है भाई हमारी नज़र में, अभी तक हम इतनी देर से सर्च कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कोई गाना नहीं है। तो भैया जो पहला पोस्टर था ये तो भैया फर्जी निकला है, ऐसा कोई गाना पवन सिंह ने नहीं गाया। अगर आप लोगों ने देखा हो, ऐसा कोई गाना सुना हो, तो आप हमें कमेंट में लिंक पोस्ट पेस्ट कर दीजिएगा। चलिए अगला गाना देख लेते हैं, जिसका नाम है सवतिन बंगलिया से। सवतिन बंगलिया से पवन सिंह, आप लोगों के सामने सर्च कर रहे हैं, कुछ भी छुपाना नहीं है हमको, जो भी करना है सामने करना है। सवतिन बंगलिया से, ली आई के सवतिन बंगलिया से, बंगले से नहीं है, नहीं है ली, एक मेडा ये नहीं जाए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, ये ली आई जाके सवतिन, ये क्या सवतिन बंगलिया से है, और ये है ली आई जाके, यहाँ से है सवतिन बंगलिया से, और यहाँ सॉन्ग का नाम कुछ और है, लिया है जाके सवतिन, सिर्फ इतना लिखा है। गाना जो लिखा है ना, यहाँ पे जो टाइटल है वो है लिया जाके सवतिन, उसको चेंज करके यहाँ पर किसी ने थंबनेल में लिख दिया है सवतिन बंगलिया से। चलिए फिर भी हम सर्च कर लेते हैं कि हो सकता है, देख लेते हैं कि भाई इसमें बंगाल का कोई वर्ड आता है क्या। नहीं पहले तो पोस्टर देख लेते हैं, वो पोस्टर ही मिल जाता है तो नकली वाला, अगर डायरेक्ट मिल जाए तो हम पोस्टर ही सर्च कर लेते हैं ना पहले तो। हम पहले पोस्टर ही देखने की कोशिश करते हैं, पहले पोस्टर ही मिल जाता है तो कि कहीं वो फिर से मिल रहा है क्या। लिया सवतिन 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 नौ नौ, तो ऑलमोस्ट हम पूरा पेज सर्च कर चुके हैं। और लाल यादव को बना दे किसी ने, देखो यहाँ पे लाई है बंगलिया से दवैया। चलो तक नीचे आ जाइए, चुम्मा दिखा वो, नीचे आ जाइए, नहीं 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 नहीं, बंगाल के पानी ये भी सर्च करने वाले हैं अपन अभी बहुत जल्दी। तो भैया ये जो गाना है लियाइब जाके सवतिन, सॉन्ग तो है लियाइब जाके सवतिन, लेकिन जो सवतिन बंगलिया से लिखा हुआ है ये भी गलत है, ऐसा भी कोई गलत है, पोस्टर ही गलत है वो। इस गाने का नाम है सवतिन जाके लियाइब जाके सवतिन, ये गाने का नाम है, लेकिन यहाँ पर सवतिन बंगलिया से इन्होंने जबरदस्ती डाल दिया है। अब गाने के बोल कुछ और है, उसका थंबनेल कुछ और बना के किसी ने डाल दिया है। चलिए थोड़ा खुद गाना भी सुन लेते हैं, आपको सुना देते हैं, थोड़ा सा मेन लाइन सुना देते हैं। वर्ड तो है भाई। तो भैया ये जो गाना है इसमें जो सेकंड वाला सॉन्ग था, थंबनेल इसमें वो नहीं है जो एक्चुअली में था, लेकिन हाँ गाना तो यही था भाई, वर्ड तो है, सेकंड वाला सॉन्ग तो मिल रहा है, बस मिल रहा है, पर इसमें कुछ गलत मीनिंग निकल रहा है क्या, सौतन लाएंगे मतलब बंगाल से उन्होंने बोला है। हाँ ऐसा कोई वो मतलब नहीं है इसका, कि वो तो कहीं से भी किसी भी शहर का नाम लिया जा सकता है, और शादी करके लाएंगे कोई। हाँ सौतन ना, तो शादी करके लाएंगे,
ये नहीं है इसमें कि उनको डिग्रेड, लेकिन इसमें डिग्रेड हो रही है क्या? बंगाल का कोई इंसल्ट नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से इसमें, हमें ऐसा कुछ बड़ा लग नहीं रहा है इसमें कि डिग्रेड करने वाला कोई वर्ड बोला है। इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि अगर तू मुझे चुम्मा नहीं देगी तो मैं सौतन ले आऊंगा बंगलिया से, बंगाल से मैं सौतन लेके आ जाऊंगा तेरे, मतलब शादी की दूसरी शादी कर लूंगा, बेसिकली ये कहना चाह रहे हो। तो यार ये हमें लग रहा है, बाकी आप लोग बताइए, लोग इसका गलत मतलब निकाल भी सकते हैं। इसका क्या गलत मतलब नहीं, बंगाल वाली चुम्मा देगी ऐसा कुछ तू नहीं देगी तो क्या बिहार वाली नहीं देगी, बंगाल वाली देगी, ऐसा नहीं यार। मतलब मतलब निकालने का तो भाई बंदा कुछ भी निकाल सकता है, हो सकता है उनका इंटेंशन कुछ और हो, उनका इंटेंशन हो, वो ऐसा होता है ना कई बार हस्बैंड का इंटेंशन कुछ होता है, वाइफ गलत समझ लेती। तो जो सेकंड एंड थर्ड दोनों वाले जो, अब दूसरा लिख बंगाल से ले आई एम साउथ इन, एक और जो थर्ड पोस्टर वो भी सर्च कर लेते, तो सेकंड वाला तो हमें मिल गया है मेरे ख्याल से, वो भी यही होगा। हाँ मुझे भी लग रहा है क्योंकि थंबनेल में फोटो भी सेम टू सेम ही दिख रहा है, बंगाल तो से ले आई एम साउथ इन, गूगल समझ जाएगा ना, साउथ इन पवन सिंह, लिया है जाके साउथ इन, वही है वो, तो वही गाना है, वो एक ही गाना, वही गाना है, उसको वही दो बार कर दिया उन्होंने, हाँ वही वाला गाना है ये ना, लिया है जाके साउथ इन, वही गाना है, वही गाना है। तो गाइस ये गाना, ये वाला तो मानना पड़ेगा, ये वाला गाना तो है गाना। अब आप इसे अच्छी तरह से लो या गलत में, डिसरिस्पेक्ट में लो, वो आपकी मर्जी है, बट मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि, जैसे कि गाना था दिल्ली वाली तेरे लिए आया मैं दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, तो इसमें क्या दिल्ली वाली लड़कियों का अपमान हो गया क्या? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसमें अगर हुआ है, अगर दिल्ली वाली लड़की का अपमान हुआ है इस गाने से, तो हाँ इसमें तो हुआ है भाई अपमान, बंगाल है मुंबई की ना, दिल्ली वालों की, पिंकी है, पिंकी है पैसों वालों की, ये भी है, तो वो पिंकी नाम की लड़कियों का कितना उस टाइम पे वैसे ये हुआ था उनका बहुत वो हुआ था, पिंकी वालों ने थोड़ा, मुन्नी वालों ने भी जताया था तो ये तो कहीं ना कहीं है, तो लेकिन उन्होंने बोला बंगलिया से ले आएंगे, ये नहीं बोला कि बंगालन ले आएंगे कि क्या ले आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बाकी अपने अपनी सोच है। हमें अभी तक ज्यादा इस वाली लाइन पे ज्यादा वो नहीं लग रहा है कि डिसरिस्पेक्ट वाला कुछ है, लेकिन फिर भी अगर बंगाल से कोई देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें आपको डिसरिस्पेक्ट क्या लग रहा है, कि मैं सौतन ले आऊंगा तेरी बंगाल से, इसमें क्या डिसरिस्पेक्ट है, क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से आपको लग रहा है कि डिसरिस्पेक्ट है, मैं जानना चाहूंगा। और अगर ये गलत है तो गलत है, अगर आपकी आपके व्यू में अगर ये गलत है कि भाई बंगाल से लाने का आपने बोल दिया है तो ये गलत है, तो क्या रीजन है आप वो रीजन बताइए, हम भी गलत मान लेंगे इस सॉन्ग को, ठीक है। तो ये दोनों सॉन्ग तो भैया एक ही है, और जो कि पवन सिंह ने बता दिया। अब है बंगाल के पानी, सर्च कर दिया मैंने, अब बंगाल के पानी, ये फेक पोस्टर, ये फेक पोस्टर, ये फेक पोस्टर वाला ही है, ये देख सेम मैच ही कर रहा है, यही वाला है, इसको ओपन कर लो। चलो भैया मिल गया बंगाल के पानी का, ये जो फेक पोस्टर वाला गाना है ये भी हमको मिल गया एग्जैक्टली। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये गाना मुझे सुना सुना सा लग रहा है, मेरे को सुना सुना सा लग रहा है, ये कहीं तो देखा है अपने गाने को। भाई साहब ये गाना जो है ना वो ये है कि अगर हम भाव देंगे तो तू घाव दे देगी, हमको ये गाना था। ये कमेंट देखे ना, न्यूज़ देखकर कौन कौन आया इस गाने को सुनने के लिए, पुनाया मैं भी। तो भैया अभी तक जितने भी गाने निकले चारों के चारों गाने पवन साइन की साइट ले रहे हैं, जो पोस्टर्स हैं या तो पोस्टर फेक है, ऑब्वियसली फेक ही है, क्या पोस्टर लगा के क्या गाना डाला है ये आप खुद समझ सकते हैं हमारे इस वीडियो से। तो यहाँ पे यार पवन सिंह को हमारी तरफ से तो क्लीन चिट है, लेकिन एक बात जरूर है, ले आई सोतन बंगलिया से, ये वाली जो लाइन है तो अगर वो वाली लाइन से किसी को दिल दुख हुआ है तो वो तो गलत है भाई, वो फिर गलत है सही। तो लेकिन मैं जानना जरूर चाहूंगा कि वो किस लॉजिक से दुख हुआ है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, पिंकी तो पैसा वाली, शीला मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, बहुत सारे गाने ऐसे आए हैं और गए हैं, तो अगर ऐसा है तो इनके स्टार्स के साथ भी ऐसा होना चाहिए जैसा पवन सिंह के साथ हो रहा है। एग्जैक्टली ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं, ऐसा उनके साथ भी होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि नहीं गाना तो सिर्फ गाना है, तो फिर ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, कुछ ऐसा वर्ड भी नहीं बोला कि हमको खाई बंगालन, इस टाइप से कोई सौतन आ गई बंगालन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बंगाल के पानी बंगाल के पानी उसमें थंबनेल में यूज़ किया बंगाल के पानी, बट बंगाल के पानी क्या
वो भी समझ में नहीं आया क्योंकि गाना भी यूज नहीं, और वो गाना कुछ और ही है अंदर जिसने भी यूज करा है। मैं तो बोलता हूँ उस बंदे के ऊपर केस करो जो थंबनेल बना के डाला है। हम ढूंढ सकते हैं तो पुलिस क्यों नहीं ढूंढ रही है? पवन सिंह को केस कर देना चाहिए इन लोगों के ऊपर कि ये गलत थंबनेल मेरे को बदनाम कर रहे हैं। डिफेमिनेशन का केस कर देना चाहिए इनके ऊपर। हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए, है ना? मुझे लगता है ये होना चाहिए। और पवन सिंह को कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए यही सबसे अच्छा जरिया है कि भैया ये जो चारों पोस्टर्स है दे ऑल आर फेक और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं बंगाली औरतों के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ या उनको कुछ गलत भाषा का उपयोग कर रहा हूँ उनके लिए। अगर ऐसा वो खुद करेंगे तो अच्छा रहेगा, हम करेंगे तो क्या ही। अब लोग आएंगे यहाँ पे, अरे तुम तो पवन सिंह के क्या चमचे हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। भाई हम कोई चमचे वमचे नहीं, जस्ट भोजपुरी फॉलोअर्स। हम भोजपुरी सुनते हैं जब से कुछ अच्छा आने लगा है। अभी हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं भोजपुरी को जहाँ जहाँ डबल मीनिंग होता है। जैसे कि डाले का एक सॉन्ग आया था, हमने उसको भी क्रिटिसाइज किया था। बहुत सारे गाने पवन सिंह के भी है, हम बोलते हैं कि हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि उनकी जो स्टेप्स हुआ करती थी उन गानों में बहुत ज़्यादा अश्लील टाइप की स्टेप्स होती थी, लाइक कुछ भी कर देते थे वीडियो के अंदर। तो हमने वो उन चीज़ों पर आवाज़ उठाई है। तो हम अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, गंदे को गंदा, अश्लील को अश्लील भी बोलते हैं। और हमें लगता है कि इन पोस्टर्स का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जिस वजह से इनको वायरल किया जाता है उन बात से कोई लेना देना नहीं। तो हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि भाई पवन सिंह को इस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहिए और जिन लोगों ने फेक पोस्टर्स बनाए हैं उनके अगेंस्ट में केस रजिस्टर करवाना चाहिए और पोस्टर्स ऑनलाइन यूट्यूब से हटवाना चाहिए, ठीक है? और वो वीडियोस भी जो नकली डाले गए हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बता दीजिए। और जो बंगाली लोग हैं वो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए कि इस बात से कोई क्या आपत्ति है कि सोतल राय बंगाल से, इसका मतलब क्या? मैं जानना चाहूँगा, मतलब इसका मतलब आप क्या समझे जो आपको बुरा लगा, या फिर सिर्फ उनको ही बुरा लगा है जो इनका विरोध करना चाह रहे थे सिर्फ? ये भी तो हो सकता है कि बंगाल वालों को बुरा लगा ही नहीं है, हेटर हो। हाँ, जो हेटर है उनको ही बुरा लगा कि हमको तो बुरा लगा, भाई कुछ भी बोलो उनको तो बुरा लगा है। जो हेटर नहीं है, जो पवन सिंह को चाहता है नहीं चाहता है लेकिन हेटर नहीं हो, एटलीस्ट वो बताना कि क्या है इस लाइन का मतलब, इस लाइन से क्या दुख हुआ है आपको, ये कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज का शो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह का और शोज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भोजपुरी का हमारा पेज है, भोजपुरी को जरूर फॉलो करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन, मेक लव नॉट मोर।